हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया शर्मा आज फिर अपनी नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है सबकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बहुत ही जल्दी बनते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मावा, 100 ग्राम पनीर, आधे कप से ज़्यादा मैदा, कटे हुए बादाम पिस्ता और इलायची पाउडर, 3.5 कप चीनी। पहले हम चाशनी बनाएंगे। चीनी को बर्तन में निकालेंगे, इसमें 2 कप पानी डालेंगे, गैस ऑन करेंगे, जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम अच्छे से पनीर को सॉफ्ट करेंगे अपनी हथेलियों की हेल्प से। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथों से सॉफ्ट करना है। जब ही सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मावा मिलाना है। इसे भी अच्छे से सॉफ्ट करना है। फिर हम मैदा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसका आटा लगाना है। चाशनी को देखते रहे, हिलाते रहे चाशनी को। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लें। आटा सॉफ्ट हो चुका है, आटा हमारा लग चुका है। चाशनी को देखते रहे, हिलाते रहे, उसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। ड्राई फ्रूट्स में इलायची मिला देंगे, ये हमारा स्टफ है। गुलाब जामुन में हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चाशनी में एक तार बन रहा है। चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसमें तार बने। और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, गुलाब जामुन की चाशनी पतली ही होती है। इसे हम साइड में रख देंगे और ढक देंगे। पैन में घी गरम करेंगे। आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा हॉल करके इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। और इस तरह हमें उन्हें गोले बनाने हैं। इसी तरह सब गोले बनाएंगे।
सारे गोले बना लिए हैं। अब हमने जो पैन में घी गरम किया था उसमें हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और पैन में जो घी गरम किया है उसे मीडियम आंच में ही रहने दे, ज़्यादा लो आंच पे ना सेके उसे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। घी इतना होना चाहिए कि हमारे गुलाब जामुन इनमें डूब जाए। गुलाब जामुन जब हल्के ब्राउन होने जाए तो हमें इन्हें निकाल कर चाशनी में डालना है। चाशनी को ढक के रखना है, उसे ठंडे नहीं होने देना है। गुलाब जामुन को गरम गरम चाशनी में ही डालना है। इस तरह हम सारे गुलाब जामुन तल लेंगे। सारे गुलाब जामुन मैंने तल लिए हैं, इनको पूरी रात रहने दें, इनको अगले दिन खाएं, जिससे कि ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे गुलाब जामुन पूरी रात चाशनी में रहने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं और अभी खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और खाइए। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।